गाइस वेलकम टू समर सिंह गेमिंग। तो गाइस आज हम अपना माइनक्राफ्ट वाला घर दिखाएंगे और देखेंगे कि कैसा है, तो आपको दिखाएंगे। तो अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से प्यारे प्यारे फूल हैं और यहां पर कुछ लिखा हुआ है, जो भी है वो आप पढ़ लेना। और फिर यहां से हमारा स्टार्ट होता है, चलो इसके अंदर चलते हैं। यहां से प्यारे प्यारे फूल भी है, सब कुछ है। और यहां पर आते ही एक वाटरफॉल है, उसके बाद में यहां पर ढेर सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और ये आते हैं इसके अंदर एंटर होने वाले, यहां पर होती है सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ के। और फिर यहां पर ऐसा कुछ देखने के लिए, यहां पर बैठने के लिए ये भी है और यहां पर ये भी है, इसको यहां से खुलता है। खुलते ही प्यारा सा यहां पर एक चीज दिखती है और यहां पर हमारे यहां पर बजाने के लिए भी है। और आगे चलते यहां पर हमारी एक बड़ी सी टीवी और बैठने के लिए सोफा और टेबल। और उसके बाद में हम आगे चलते ही चलते यहां पर ज्यादा ठंड हो तो यहां पर हाथ सेकने के लिए, बातें करने के लिए यहां पर हो सर्दियों में। और यहां पर हमारे कंप्यूटर और टेबल रखने के लिए। और पीछे यहां पर स्पीकर और ये प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन के बाद में यहां पर हमने ये पता नहीं गोश्त वाला क्या रख लिया है। और आगे चलते ही चलते ये हमने देख लिया है, पीछे वो भी है गिटार वगैरह। और उसके आगे चलते हैं, ये भी यहाँ पर भी बैठने के लिए है। और यहाँ पर जैसे ही अंदर घुसते ही हमें दिख जाती है एक प्यारी सी रसोई। रसोई देख लीजिए, यहाँ पर रसोई है, उसमें कुछ खाने की चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और सभी जगह खुलता है यहाँ पर ऐसे करके ऐसे। और यहाँ पर नल है पानी का, अभी पानी है नहीं इसलिए पानी भी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पानी भी होता है। ऊपर यहाँ पर चिमनी है और इसके अंदर टोस्ट भी रखा हुआ है, टोस्ट भी खा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चलते ही हमारे आ जाता है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल यहाँ पर, और यहाँ पर बैठ कर देख भी सकते हैं कि क्या बन रहा है। ओए ओए, मैंने तो बंद ही नहीं किया, चलो फिर बंद कर लेते, इसको बंद कर लेते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको डाइनिंग टेबल दिखा दी, ये जो मेहमान आते हैं उनके लिए डाइनिंग टेबल है। आगे ही चलते हुए ये आपको दिखा दिया है, अब आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर कुछ रखने की चीज़ें, यहाँ पर डोर भी खुलता है, ये यहाँ से इसके अंदर कुछ देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें रखने के लिए काम आती है। फिर यहाँ पर कुछ रूम है और इधर भी कुछ रूम है। फिर यहाँ पर कुछ चेयर रखी हुई है और यहाँ पर दरवाज़ा है, इसको खोल के हम बाहर भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ से कुछ ऐसा लगता है, बाहर से दिखा देते हैं, सेम ही लगता है उधर से भी और इधर से भी। और इधर भी हमारे घूमने के लिए, इधर से बाहर यहाँ पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर सभी बैठ भी सकते हैं और बैठ कर मज़े भी कर सकते हैं और इसके अंदर मज़े भी कर सकते हैं। और चलो, और ये यहाँ से पानी आता है और यहाँ पर बैठकर स्विमिंग पूल के मज़े ले सकते हैं। आगे ही चलते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ खाने के लिए वगैरह यहाँ पर खा भी सकते हैं। और यहाँ पर मस्त फ्रीज वगैरह सब रखे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। आगे ही चलते हैं, हमारे उधर स्टोर रूम भी है, तो स्टोर रूम भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और हम खेती बाड़ी भी करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कोई अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए उधर भी बिठा दिए, वरना इधर हम सामान भी रखते हैं। और हमारे पास एक घोड़ा भी है, प्यारा सा घोड़ा हमारा। और यहाँ पर चलो, इसके बाद में इधर चलते हैं, ये इधर हम खेती बाड़ी करते हैं, ये यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए है, बाजरा है वो उधर, तरबूज वगैरह सब रखे हुए हैं। और उधर घास फूस भी है, उधर हमने देख लिया। पर एक और चीज़ दिखानी है, वो जो है ये हमारी गाड़ियाँ पार्क की हुई है, ये हमारी गाड़ियाँ है, ये एक रेंज रोवर है। और इस आगे दिखाते हैं, ये एक प्यारा रूम है जिसमें हमारी गाड़ियाँ शोरूम है, जिसमें हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती है और इसे ऐसे करके ऐसे बंद भी हो सकता है। चलो अंदर जल के दिखाते हैं, और वहाँ पर पहुँच गए। अब वैसी वापस वहाँ पर जैसे सीटें थी वैसे सीटें हैं। और यहाँ पर जैसे ही एंटर होते हैं और अब आपको रूम दिखाते हैं, रूम कैसी है। तो इधर इधर से खोलेंगे, ये हमारे ये तो वॉशरूम और नहाने के लिए वगैरह है। चलो इसको तो कर लेते हैं बंद और देखते इस रूम को, देखते ये क्या है। ये हमारा हो गया है, टीवी लगी हुई है और यहाँ पर सोने के लिए है। और यहाँ पर लैपटॉप भी है, लैपटॉप चलता भी है हमारा गूगल। हेलो गूगल, समझ गेमिंग को सब्सक्राइब करो, मैंने तो कर लिया है, जो देख रहा है उसको भी बोल दो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलो इसने बोल दिया गूगल ने, बंद कर लेते हैं इसको भी। और यहाँ पर हम पियानो भी बजा सकते हैं। आगे वाले रूम देखते हैं, आगे वाले रूम देखते हैं, इसको खोलते हैं। और इसके अंदर यार हमारी एक प्यारी सी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर आते ही एक सामने से टीवी भी है, टीवी भी है। और यहाँ पर बैठकर हम कुछ काम भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास आ जाता है, इसको खोलते ही रूम आ जाता है एक बड़ा सा, जहाँ पर रखने के लिए बहुत सी चीज़ें भी है। और यहाँ पर अलमीरा भी है, अलमीरा को कर देते हैं बंद। यहाँ पर बैठ के हमारे कुछ काम भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्यार से बैठे सो भी सकते हैं बंदे। और यहाँ पर बैठ के गप्पे सप्पे भी लड़ा सकते हैं कुछ ऐसे रूम में। और एक ये रूम रहा, इसके अंदर भी होगा, ये हमारे बच्चों के लिए रूम है, ये बच्चे यहाँ पर सोते हैं। और ये बड़ा सा रूम है, यहाँ पर बच्चे के लिए पढ़ने के लिए सब है। इधर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पर भी प्यारे से सोकर कर सकते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए भी है, और यहाँ पर इनका खिलौना भी है, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी लगी हुई है ऊपर, बहुत अच्छे बच्चों के रूम। आगे चलते हैं, हमारे उधर वाले रूम देखते हैं। ये हमारा वॉशरूम और बाथरूम करने के लिए है, सभी है यहाँ पर। ये तो आपको फिलहाल पहले भी दिखा दिया था, मतलब वो पहले हमने उधर से दिखाया था, अभी दिखा रहे हैं। इसके अंदर जाके टी वी वाला रूम आ जाता है, और इसमें यहाँ पर टीवी भी लगी हुई है और यहाँ पर कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी है। और चलो बांध के जाते हैं, लास्ट रूम रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ये बड़ा सा बिक्सर रूम, और इसके अंदर जैसे ही आते हमें मिल जाता है दरवाज़ा, इसको खोलते इसके अंदर होता है बाथरूम। बाथरूम को अभी करते हुए हमें इधर मिल जाता है अपना मुँह देखने के लिए, अलमीरा। और यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर सीढ़ी भी है, और यहाँ पर हाथ में धोने के लिए पौधे रखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।